मध्य प्रदेश में अटकलों का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ के सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अटकलों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आ गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि 4-5 दिनों से कमलनाथ के खिलाफ साजिश चल रही है, हर तरफ उनके बीजेपी में जाने को लेकर के कुचक्र रचा जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि मीडिया का दुरुपयोग किया गया है, एक व्यक्ति की सालों की निष्ठा पर सवाल उठाया गया है। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी मीडिया में जो भी बातें आ रही हैं ये सब भ्रम है, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है, आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अंतिम सांस तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। जो ट्रांसपेरेंसी कमलनाथ जी के खिलाफ चल रही है सर्वविदित है, हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी में उनको जाने को लेकर जो कुचक्र चला गया था, ये मैं अपने आप में फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि मीडिया का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और किसी व्यक्ति की इतने साल की निष्ठा पर कैसे सवाल उठाए जाते हैं, उसका एक कमलनाथ जी के खिलाफ कुचक्र रचा गया था। अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक एक तरह से भ्रम है और